हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जितने बन सकते हैं वो आज हम लेकर आए हैं 29 मार्च 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ड्राइव माई कार। ऑस्कर अवार्ड की पूरी लिस्ट देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड कोडा ने जीता है, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ किंग रिचर्ड ने जीता है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टन द आईज ऑफ टैमी फे के लिए जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए जीता है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर द ड्यून ने, बेस्ट साउंड के लिए ड्यून ने, बेस्ट बीएफएक्स के लिए ड्यून ने, और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए ड्यून ने जीता है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए ड्यून ने जीता है, जबकि बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए भी ड्यून ने जीता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए द समर ऑफ सोल ने जीता है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बिली एलिस जेम्स बॉन्ड नो टाइम टू टॉय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए GSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए GSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने 27 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किस शहर में हाउसिंग बोर्ड और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नए कार्यकाल का कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC से के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महिला एकल खिताब स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब है पीवी सिंधु ने महिला एकल खिताब स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीता है। पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की खिलाड़ी को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया। पीवी सिंधु ने 49 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। इस सीजन में यह उनका दूसरा महिला एकल खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने अपने पहले मैच में IPL 2022 में अपने सर्वोच्च सफल पीछा करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो इसका सही जवाब है PVKS यानी पंजाब। पंजाब किंग्स ने IPL 2022 के अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB के खिलाफ 206 रनों के पीछा करते हुए 19 ओवर में पीछा किया। इसके साथ ही उन्होंने IPL में अपने सर्वोच्च सफल पीछा लक्ष्य का हासिल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने इससे पहले CSK और SRH के खिलाफ IPL 2014 में दो बार 206 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था। PVS के लिए ओडियन स्मिथ ने 8 गेंदों में 25 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का वित्तीय केंद्र कौन सा है जो स्पर्शोन्मुख COVID-19 मामलों की रिकॉर्ड संख्या को देखने के बाद सोमवार से चरणों में बंद हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है संघाई। चीन का वित्तीय वर्ष संघाई है जो स्पर्शोन्मुख COVID-19 मामलों की रिकॉर्ड संख्या को देखने के बाद सोमवार से चरणोंबद्ध में बंद हो जाएगा। चीन का वित्तीय केंद्र संघाई हाल ही में हफ्तों में रिकॉर्ड संख्या में स्पर्शोन्मुख COVID-19 मामलों को देखने के बाद सोमवार से चरणों में बंद हो जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए
लगभग 26 मिलियन लोगों को शहर के दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। शनिवार तक शहर के अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का हवाला देते हुए तेजी से तालाबंदी का आह्वान को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने स्कूलों में AI पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है? AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश ने स्कूलों में AI पाठ्यक्रम शुरू किया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार कक्षा 8 के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कोर्स शुरू करेगी, जो भारत के में इस तरह की पहली पहल होगी। सरकार पशु चिकित्सा टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू करेगी, ताकि पशुपालक गायों और अन्य जानवरों के रोगों के बारे में फोन पर सलाह ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सोमवार को श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में महाकुंभ संरक्षण समारोह आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सोमवार को यादाद्री भवनागिरी जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में महाकुंभ संप्रोक्षण समारोह में भाग लिया। CM राव अपने परिवार के साथ यादाद्री पहुँचे। मंदिर का नवनिर्माण किया गया है। बंदोबस्ती मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि मंदिर शाम 4 बजे से जनता के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 120 गांव के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने 120 गांव के लिए पेयजल परियोजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूसी सरकार द्वारा नियंत्रित ऊर्जा फर्म ने भारत के गेल को डॉलर के बजाय यूरो में गैस आयात के लिए भुगतान करने को कहा है? तो इसका सही जवाब है गजप्रोम। रूसी सरकार द्वारा नियंत्रित ऊर्जा फर्म गजप्रोम ने भारत के गेल को डॉलर के बजाय यूरो में गैस आयात के लिए भुगतान करने के लिए कहा है। यह रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करने के बीच आता है। गेल को यूरो में भुगतान निपटाने में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने 2334 करोड़ की दो राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नितिन गडकरी ने 2334 करोड़ की दो परियोजनाओं राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो प्रमोद सावंत जी ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गोवा के राज्यपाल PS धरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलिम के विधायक हैं। इस साल 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में BJP ने अपनी सरकार बनाई, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पर्रिकर के निधन के बाद 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। स्टील रोड का उद्घाटन गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों के स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है
वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।